दिन क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सर्वजनन का प्रणाम करी थी। सीधी माँ आज 12 से 3 के हाल लेके आए हैं। सीधी शहर में जहाँ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे खीतिर सब्जी मंडी का जो है गांधी चौराहा पार्किंग में शिफ्ट कीन गए, वह गांधी चौराहा पार्किंग है जौने का सीधी कलेक्टर अभिषेक सिंह के द्वारा निर्माण कीन गया रहा। वो का ये कहा जा रहा कि वह ओकर आवश्यकता नहीं है, किंतु आज वह गांधी चौराहा पार्किंग कोरोना जैसा महामारी से लड़े खेती एक बड़ा सुलभ स्थान बना, जहां पुलिस के द्वारा प्रशासन के द्वारा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे खेती एक एक मीटर की दूरी में जो है लोगों के खड़े होकर व्यवस्था बनाई गई। साथ में अपना पंचन को बताई कि कुछ हो सीधी के एक जनता में यदि देखा जाए तो शिक्षा के अभाव साफ साफ दिखाई देते, कितनी व्यवस्था बनाए दी जाए किंतु व्यवस्था का व्यवस्था में तब्दील कर दी जाते हैं। और हाल जैसा कि अपना देखा थो कि भीड़ एक साथ खड़ी है और काफ़ी लोग एक साथ भीड़ में खड़े हैं और जौने के चलते आज पुलिस सीधी पुलिस कुछ सख्ती करी जौने के लेके व्यापारी जो है आक्रोशित हो गए। तो एक यो पक्ष है कि व्यापार लोग तो करे चाहते किंतु ओकर जो नियम कायदा जो कानून बनाए गए हैं जो समय ओकर खेती निर्धारित किन गया है जो तरीका बनावा गया है ओका पालन नहीं करे चाहे जिसके चलते बड़ी बड़ी समस्या आ रही हैं। आज आक्रोशित भीड़ के द्वारा पुलिस के ये सख्ती के बारे में बहुत कुछ कहा गया, जेकर हम तो देखी कहा है कि प्रशासन सख्ती न करी तो शायद यह में व्यवस्था अव्यवस्था में तब्दील होंगी, किंतु सबसे बड़ी बात यह पूरे आज के या दूसरे दिन के जो लॉकडाउन है यह लॉकडाउन लगभग लगभग सफल लगभग कह सकी थे कहे कि जो स्थिति कल सब्जी मंडी के रही उससे कुछ बेहतर स्थिति आज देखे के मिली, किंतु लोगन के जो व्यापारी के आक्रोश रहा वह देखे का मिला। देखी पूरी रिपोर्ट, धन्यवाद। क्या शुभ नाम है आपका? संजीव गुप्ता। आपके भाई साहब का? रंजीत गुप्ता। क्या घटना हुई अभी यहाँ पे? बैठा था, दुकान लगाया था यहाँ पे, मास्क वगैरह सब कुछ लगाया है, बिना मतलब आके मार दिए। कौन? एक दो आदमी खड़े थे, वही चेतक वाले मारे। और चेतक वाले कहाँ पे मारे? ज्यादा चोट लगी? कैसे हल्का? मतलब कि सर फट गया है, वही फिर लेके गए। यहाँ यहाँ लगा। अच्छा, मतलब आप यहाँ पे सब्जी बेच रहे थे? जी जी जी। यहाँ पे दुकान लगी है, ये दुकान पे आप सब्जी बेच रहे थे और पुलिस वाले आके मारे तो आपका सिर, आपके भाई का सिर फट गया है? सर फट गया है, हाथ में पूरा मारे, कपार में लगा है। चेतक मोबाइल वाले मारे। ये आपके हाथ पे खून कैसे? माता जी, उसी लड़ बच्चे का, लड़का का हाथ पकड़े थे। अच्छा, चेतक वाले जो मारे हैं? हाँ, लड़का से तो मार दीन। अब भला बतावे तो मोहतर 14 दिन की मातारी की 14 जितनी जून से लाइसेंस दिन की बिटिया 14 अपने मातारी के गाने में लंदन डाल तोरी दाई 14 मादर 14 रे हमको 3 लाख तक के दिला रहा है कौन माता की व्यापारी चलत कलेक्टर के पास तोरी मातारी 14 हरी सब्जी वाले ना तोरी बिटिया 14 कौन मातारी 14 मादर 14 रे रुक जा लाल चिंता के तो गाई तोरी दाई 14 नहीं तो मादर 14 जितनी जो तुम्हारे सब के गांड धारण के मादर 14 मास्क लगाए तो मादर 14 मार दी बिटिया 14 बेटी 14 नहीं तो तोरी दाई 14 सब्जी लगावत तो मादर 14 आई मत तो भाई बताओ भैया हमारे लड़का बैठा था यहाँ साधारण हम लोग उसके पीछे बैठे रहते माँ बाप है साधारण लड़के के मार दिए डंडा हमारे लड़के को तो बाहर फट गया ये हमने लगाया कुछ 4 बजे तक कर दिया था 3 बजे तक मार दिए ऐसा डंडा मार देंगे क्या कर लेकर बैठ जाओ मदर चौधरी का अभी पुलिस का बकवास है डंडा मारेंगे गोली भी चलाएंगे अरे ये मैं डंडा मार रहा हूं गोली चलाएंगे इस तरह मार रहे हैं डंडा हां देखा 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 ये देखो हां देखा दे सब ये कौन है उनका इतना ही थोड़ा कि डंडा ही मेरे को मार रहा है कौन लगा है ये मारने कोई तरीका है जो उनको मारा देंगे ये देखिए एक एक मार रहा मैं दे रहा मैं बस हमें ले रहा हूँ आपको दे रहा हूँ ये दे दिया हूँ यहाँ का है यही है नहीं यहाँ ये नहीं यहाँ का नहीं सीन यही यही कहीं का होगा तो मैंने आया तो बताइए
मार रहे हैं। अरे ये तो बाहर खेल रहा है क्या घटना हुई है? एक सैनिक आया, उसको एक लड़के को मारने लगा जो दुकान लगाया हुआ। नहीं तो आखिर ये बात आप लोगों की सरासर झूठ प्रतीत हो रही है कि ऐसे कोई काहे मारेगा? और तो किसी को नहीं मार रहे, उसी को काहे मारा? 3 बजे का समय है, अभी तक समय बाकी था, तो 40 की घटना है सब। नहीं 3 बजे तक, 3 बजे तक बंद कर रहे थे, उसके बाद भी माने ऐसा घटना हुआ। आखिर कोई पुलिस वाला बिना गलती के क्यों मारेगा? सवाल मेरा अभी भी यथावत है। कुछ बातचीत हुई होगी वो बताइए ना स्पष्ट। कुछ बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस पुलिस वाले आके मारने लगे। ना लगाया वो नियम का पालन ना करता, वो तो मारे, वो मास्क भी लगाया है, ठीक है। एक पुलिस वाला मारा, अभी टीआई साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि फिर मारेंगे, डंडा चलाएंगे, बंदूक चलाएंगे, कोई तरीका बोलने का? कोशिश तो गलती रही होगी आप लोगों की, प्रशासन कोई गलती नहीं है। आप पहले व्यापारी की क्या गलती थी वो तो स्पष्ट हो। वो मारने वाला तो बोले ना कि क्या गलती थी, क्यों मारा जा रहा है? कौन सैनिक का नाम मालूम है? कौन मारा है सैनिक का नाम? उनके पिता बुजुर्ग हो, क्या जाने क्या नाम है, हम लोग क्या जाने के। अब आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? हम लोग इकट्ठा एक अपनी एकता बनाएंगे और एकदम बंद कर दिया जाए, सब्जी सब बंद कर दिया जाए, बंद रहेगा पूरा मार्केट 14 तारीख तक, बिल्कुल बंद रहे पूरी मार्केट, एकदम कर्फ्यू खोलेगा, 1 मिनट के लिए खुलेगी नहीं। हम लोग ये चाहते हैं, अगर ये आप लोग ये जो चाह बता रहे हैं कि बंद रहेगा कल से, वो तो ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है, अब आप लोग नहीं खोल सकते हैं? वही नियम लागू हो जाए ना, ये क्या 2-3 घंटे 4 घंटे टाइम अनाउंस करके 3 बजे तक का टाइम दिया गया, ठीक है 4 बजे तक का है, चलिए 4 भी नहीं बजे हैं, 2:40 है, ऐसा थोड़ी ना, मास्क भी लगाया, नियम का पालन भी कर रहा है, सब लगाया है, ऐसा थोड़ी ना है कि किसी को ऊपर हाथ उठा दे। इस तरह मारना कोई अच्छी बात थोड़ी है, कि सर फट जाए, जान चली जाए, कौन लेगा जवाबदारी? पहली घटना ये की पुलिस इस तरीके से नहीं मार सकती, किसी भी अपराधी का सर फट जाए। वो मार सकते हैं, चूतड़े मार सकते हैं, दाई तरफ मार सकते हैं, मौत वाली जगह मारेंगे, तोड़ने बोलने का वो तो नहीं। ये तो निंदनीय कृत्य है, सभी कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी कह रहे हैं। कल खुलेआम दुकानों में घुस के मारे हैं किराना वालों को, दुकान में घुस के मारे हैं, डबल रोटी फेंके, पूरा वीडियो वायरल हुआ है, ये तरीका पुलिस वालों का? तमाशा बना के रखे क्या? पब्लिक उठपटांग करने लगी, फिर FIR होगी, मारो पीटो सब इकट्ठा करो जिसको पाए जहाँ पाए सब। अभी आप लोगों की अगली रणनीति है कि आप लोग सब लोग इकट्ठा करके भाई घायल हुआ है हॉस्पिटल जाएंगे अपने भाई को देखने, बाकी एक्शन लिया जाएगा, SP ऑफिस में जाएंगे, SP साहब की शिकायत करेंगे, उसकी पूरी घटना की बात बताएंगे, इंचार्ज जो वहाँ पे था उसको बुलाया जाएगा, उसने क्यों डंडा मारा वो बताए। तो ऐसा माना जाए कि सीधी जिले के समस्त व्यापारी संगठन एक हो गए हैं? व्यापारी संगठन जितने 4 घंटे 2 घंटे बंद करवा रहे हैं, अच्छा क्यों बताया, क्या करना? अभी सब जाएंगे ये लोग व्यापारी संगठन से कार्रवाई करवाएंगे आगे की। इनका भी वीडियो बनाइए, इनका भी बनाइए वीडियो, कार्रवाई हो। इनका क्या है, इनका क्या है? खुद नहीं पहने, ये खुद ही मास्क लगाए हैं, इनका बनाना चाहिए ना। अरे
सब जने बंद कर डेढ़ चला।